जब सरहद पर गोली खाकर टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, पूरे गांव में घुमाना और ढोल के बजाना, कहना माँ से कि बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे कि बच्चे तिरंगा लहरा के आना या फिर तिरंगे में लिपट के आना, उनसे कहना कि मैंने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी मैंने सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उसे कहना कि याद था मुझे उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तफाक हो गया, राखी से पहले उसका भाई ही राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। खैर, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद यह शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है।